सिवान में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर हिंदुवादी संगठनों का जमकर विरोध किया और नारेबाजी भी की। महाराष्ट्र के भीम कोरेगांव में दलितों पर हिंदुवादी संगठनों के द्वारा बर्बर हमले के खिलाफ माले कार्यकर्ताओं ने राज्यव्यापी विरोध दिवस के रूप में मनाया और शहर में विरोध मार्च निकालकर भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी मांगे हैं कि जिन अपराधियों के द्वारा दलितों पर जुर्म किया गया उन्हें शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन और भी आगे बढ़ता जाएगा। महाराष्ट्र में दलितों पर जो हिंसा हुआ है, एक लड़का मारा गया है। 1 जनवरी 1818 को बाजीराव पेशवा के मनुवादी सरकार के खिलाफ वहाँ के महार जाति के लोगों ने, जिस जाति से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आते थे, बड़ा संघर्ष किया था और मनुवादी विचारधारा से उन दलितों पर से जुल्म कम हुए थे। तब से 1818 से आज तक दलित उसको स्वाभिमान स्वर्ग दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके जो नेता है गोविंद गायकवाड़, उनसे 2 किलोमीटर दूर उनकी समाधि पर जूते चप्पल फेंके गए, अपमान किया गया। देश भर से करीब 4 लाख दलित वहाँ उपस्थित थे। जिग्नेश मवानी दलित नेता थे, उमर खालिद थे और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के मूला सोसाइटी थी, उनकी माँ भी थी। इन नेताओं पर केस कर दिए गए, लेकिन भिंडे और एक बोटे माननीय प्रधानमंत्री भिंडे जो 86 साल के बूढ़े हैं, आरएसएस के नेता हैं, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। आज पूरे देश में आप देखेंगे कि दलितों पर, वो चाहे सहारनपुर का चंद्रशेखर रावण की घटना हो, पेरियार की मूर्ति तोड़ने की घटना हो या फिर कोरेगांव भीमा की घटना हो, आज पूरे दलितों पर एक तरह से उनके आयोजनों पर हमले किए जा रहे हैं। आज एक काल्पनिक बात हो गई है, कागजी बात हो गई है। लोकतंत्र, लोकतंत्र सिर्फ कहने की बात है। आज दलितों पर, महिलाओं पर, अल्पसंख्यकों पर, देश के बौद्धिक बुद्धिजीवियों पर, हर तबके पर हमला बढ़ा है। ये हमला मैं कह रहा हूँ।